हाथ में पैसे हो तो डंबल की क्या जरूरत है हमें। एच नी सन शी को रुक शारुक, ओह माय गॉड, इसे कहते हैं दिवालिया। अरे दिवाली के दिन सबका दिवाला निकल दिया, अब अगले एक साल तक कोई मुझसे शर्त नहीं लगाएगा। वैसे फ्री के पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। काश जिंदगी भर ना ऐसे ही बिना काम किए पैसे कमा लेता, लेकिन नहीं यार, अगर जिंदगी भर बिना काम किए पैसे कमाऊंगा तो फिर बोर हो जाऊंगा। अब नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, कभी कभी, हमेशा तो। कर सकते थे, मुझे क्या सपने में आएगा कि तुम अंदर हो? और मुझे सपना आएगा कि आप अपनी कार पार्टी छोड़ के यहाँ आ जाएंगे अचानक? अरे मैं पैसे रखने आया था। चेंजिंग रूम में? चेंजिंग रूम में नहीं, अपने कबर्ड में। लेकिन मुझे, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गलती आपकी। गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम स्टूपिड हो और आप बेशरम है। आओ ये बार बार कपड़े क्या बदल रही हो? रॉकस्टार मैं और कपड़े तुम बदल रही हो? यू आर अ वैग। दादी ने कहा था पूजा में बैठने के लिए नए कपड़े पहनने होते, लेकिन आपको तो पता होगा नहीं क्योंकि पूजा में बैठना तो दूर, कभी आरती में खड़े भी नहीं हुए हो। करेक्ट, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। भगवान को फालतू मत कहिए, आज उन्हीं की वजह से आपने इतने पैसे जीते। लेक्चर टाइम, फालतू टाइम, ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ए डोंट टच, तुम देख क्यों रही हो? इसे मैंने अपने गुड लक से कमाया है। तुम्हारे हाथ लगते ही ना बैड लक छा जाएगा और ये गायब हो जाएंगे। शसन, नीचे मेरे हाथ लगाने से जीते हैं आप, अभी मेरे हाथ लगाने से बैड लक हो जाएगा। तो क्या चाहती हो कि तुम्हें इसमें से हिस्सा दूं? यू वांट शेयर? जी नहीं, आपके पैसे आप ही को मुबारक हो, मैं तो बस इन्हें लॉकर में रख रही थी। अच्छा, और लॉकर में कैसे डालोगी? जादू से? क्योंकि लॉकर तो तुम्हें लॉकर की चाबी दादी से चुरा ली। जो चीज खुद ब खुद आपको मिल जाए उसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। दादी ने दिया मुझे। क्यों? क्योंकि मुझ पर भरोसा करती। ओह गॉड, मेरी भोली दादी। अरे बिल्ली को ही मक्खन की रखवाली के लिए बैठा दिया। अरे उन्हें नहीं पता कि एक चोर कभी चौकीदार नहीं बन सकता। थीफ कैन नेवर बी अ वॉचमैन, कैन बी। कैसी हो प्रज्ञा? अच्छी हूँ, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी इनसे शादी हुई, ये मेरे पति हैं। काफी अच्छा लग रहा है तुम्हें इसे देख के, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पर क्या तुमने मुझे हॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? खैर, मकसद हॉल को बचाने से था और हॉल टूटने से बच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ने खुद हॉल को टूटने से बचाया। लगता है तुम दोनों के बीच में सुलह होगी। जो मैंने पहले देखा था वैसा अब है नहीं। ये दोनों यहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता है मैं सोचता रहता था कि तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है मेरे लिए, क्या तुम उन्हें निकाल पाई हो? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलती की। मैं जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझे ना उसी दिन तुम्हें ना कह देना चाहिए था जिस दिन मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चला प्रज्ञा। पर पता नहीं क्यों मैंने उस बात को शादी तक बढ़ने दिया। आगे का हाल तो तुम जानती हो। तो ये चक्कर है दोनों का? शादी से पहले ये बहन जी इससे शादी करने वाली थी। भूल जाओ सुरेश, मैं भी अब सब कुछ भूल चुकी हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए यही सब कुछ है। और सुरेश, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम शादी करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, प्यार वो होता है जो हम महसूस करते। किसी एक इंसान से ऐसा गहरा रिश्ता जुड़ जाता है जो उम्र भर के लिए होता है। मुझे बहुत काम है, मैं I'm sorry। दोनों चश्मिश का एक दूसरे से अफेयर, नॉट बैड। अब इस ब्रेकिंग न्यूज को सैड न्यूज तो बनाना ही पड़ेगा। इसी वक्त भाई को बहन जी की लव स्टोरी सुना देती हूँ, घर में दिवाली और दशहरा सब एक साथ हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है पूरब का है? तुम सिर्फ मुझे बता नहीं रही हो। पहले भी तुमने मेरे पूरब को मुझसे छीना, अब भी तुम उसे
मुझसे दूर करना चाहती हूँ। मुझे धर्मराज के यहाँ से भाग गया है वो। नहीं नहीं अभी नहीं, ये बहन जी बहुत चालाक है। बिना सोचे समझे अगर ये गेम खेला ना तो वो किसी न किसी तरीके से बच के निकल जाएगी, जैसे पहले बच के निकल गई थी। और फिर जिस तरह से ये दोनों चश्मिश बातें कर रहे थे, लगता नहीं है कि अब इनके बीच में कोई ऐसी वैसी फीलिंग्स है। तो फिर क्या करूं, जिस तरह इसने मेरी शादी तुड़वाई थी ना, शादी तो मैं भी इसकी तुड़वा के रहूंगी। बट हाउ, कैसे कैसे मैं इस हाथ आए मौके का पूरा फायदा उठाऊं? थिंक आलिया थिंक, व्हाट आर यू गोना डू? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? पूजा का वक्त हो रहा है इसलिए दादी को बुलाने जा रही थी। इतनी सी बात, मैं हूं ना, मैं किसके लिए? मैं जाकर दादी को बोल देती हूँ, आप एक काम करो, आप नीचे जाकर बाकी का काम संभालो। ओके, आई सी यू। ये आलिया को क्या हुआ, आज मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही? तुम जानती ही नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ। आज मेरे हाथ दिवाली का वो बॉम्ब लगा है जो जब फूटेगा ना तो दादी के सामने तुम्हारा ही मुंह काला करेगा। दादी ही तुम्हारी इस घर में रहने की वजह थी ना, अब वही तुम्हारी इस घर से जाने की वजह बनेगी। Have fun and happy दिवाली। मैं तो ये कहूंगी कि बहू के घर में पांव पड़ते ही पूरे घर की किस्मत ही बदल गई है। देख लिया ना तूने, आज दिवाली के दिन उसने तेरी किस्मत का ताला ही खोल दिया। साक्षात लक्ष्मी का रूप है ये। मैं तो कंप्लेन करने आया था कि इसे लॉकर की चाबियां क्यों दी, पर दादी तो इसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही। अब कैसे समझाओ दादी को कि ये लक्ष्मी किसी दिन हमारे घर की लक्ष्मी को अपने साथ ले उड़ेगी। सच अभी, तुझे तो अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए। पत्नी नहीं, पारस मनी लेकर आया है तू, पारस मनी। मैंने सुना था कि जादू करने वाले की पावर दिवाली की रात बढ़ जाती है, तभी इसका जादू सब पे चल रहा है। कहाँ खोया हुआ है? हे दासी, आपकी बातों में ही खो गया था। वो क्या है, आप मेरी वाइफ की तारीफ कर रही थी ना, तो फीलिंग प्राउड। एक सेकंड। हेलो, व्हाट? नो, आर यू सीरियस? ओके ओके। ए, क्या हुआ, किसका फोन था, कुछ बोलता क्यों नहीं? वो ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया था। तो हाँ, एक शो के बारे में बात कर रहे थे। अब इट्स द बिगेस्ट शो ऑफ माय लाइफ। पर क्या क्या रहा है वो? वो लोग मुझे शो के लिए साइन करना चाह रहे थे। इससे पहले मैंने इससे बड़ा शो नहीं किया है दादी। मैं भाई, आर यू सीरियस? वो आपकी ड्रीम का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है, आपको मिल गया वो? यू गॉट दैट? या आकाश, इट्स माय ड्रीम, इट्स माय ड्रीम, दैट्स कमिंग ट्रू। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जिसके सुनते इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। दासी, आप भी ना। अरे खुशी की खबर ऐसे सीरियस मुंह बनाकर देते हैं? वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खबर मैं रिएक्ट कैसे करूँ, खुशी से, पागलपन से, या एक सेकंड। बस ऐसे ही तरक्की करते रहना, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। Congratulations, I am so happy for you. Thank you, sir. Finally, उन लोगों ने आपके टैलेंट को पहचान लिया। अरे पहचानते तो सब लोग हैं, बस ये कहो कि आज किस्मत ने साथ दे दिया। प्रज्ञा के आते ही इसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। देखना अभी, प्रज्ञा के होते हुए तू इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा कि तेरी बुलंदियों को कोई छू भी नहीं पाएगा। बस बेटा, ऐसे ही अभी के साथ रहना, उसका भाग्य बनकर। पहले घर की चाबियां ली और अब मेरे टैलेंट और मेरे कैपेबिलिटीज का क्रेडिट भी ले रही है।
दादी अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए, वो क्या है ना वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, दुनिया भर के आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, आई वांट टू बी द बेस्ट व्हिच आई नो आई विल बी, लेकिन उसके लिए मुझे रिहर्सल चाहिए, सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि नोबडी डिस्टर्ब मी एक्सेप्ट यू थ्री। लेट चाहे भाग्य किसी का भी हो, मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि वो आपके ही साथ रहे। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये पूजा पाठ है नॉल, फिर क्यों मुझे यहाँ पर बिठाया तुमने? आलिया पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर ये सब कुछ मैं अभी के लिए कर रही हूँ ताकि जब हमारी फ्यूचर में शादी हो तो मुझे पता होना चाहिए ना कि दादी अपनी बहू से क्या क्या करवाती है। यार राइट, तो तुम दादी के लिए ये सब कुछ कर रही हो, पर क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगी? आइए सब लोग आइए आरती के लिए, चलिए आइए आप लोग भी आइए, आइए जल्दी आइए। सबको आरती दे दो। पेड़ कोई लगाए और फल कोई खाए, मेरे होते ये नहीं हो सकता। प्रज्ञा बेटा आरती तुमने गाई है, अब सबको आरती भी तुम दे दो। वैसे आरती देने के और आरती गाने के भी तरीके अलग होते हैं। क्या तरीका? वो देखो सर पे पल्लू लेके कितने रिस्पेक्ट से गा रही। वैसे तुम मॉडर्न लोग क्या जानो कि घर के संस्कार क्या होते हैं। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आरती कैसे लेते हैं। किसे देख रही हो बेटा? दादी वो ये पूजा में नहीं आए ना, तो सोच रही थी उन्हें जाकर आरती दे दूँ। वो ये आरती नहीं ले। क्यों दादी? क्योंकि ये पाठ पूजा रिचुअल सेरेमनी ये सब नहीं मानता वो। ऐसा ही ठीक है। आरती तो पूजा के बाद सभी घर वालों को आरती लेनी होती है। मुझे नहीं लेनी है। क्यों? अब घर वालों में से नहीं है। मैं तुम जैसा नहीं हूँ ना, मुझे भगवान में विश्वास है ना इस आरती में, तो ये आरती जाकर किसी और को देना प्लीज। ये लॉ कोई मामूली लॉ नहीं है, ये वो लॉ होती है जिससे लोगों की उम्मीदों को रोशनी मिलती। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कैसे दुनिया में आस्तिक और नास्तिक दोनों किस्म के लोग होते और सब खुशी खुशी जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर इंसान उम्मीद के सहारे जी रहा है कि एक दिन उसके मन की इच्छा उसकी विश पूरी हो जाएगी। ये आरती हम भगवान के लिए नहीं बल्कि उस विश के लिए लेते हैं, उस विश को पूरा करने के लिए, उस विश की रिस्पेक्ट करने के लिए। मेरी तो एक ही विश है कि तुम मेरे लाइफ से डिसअपीयर हो जाओ। इज इट पॉसिबल? चलिए उसी विश के लिए अपने मन में उम्मीद रखिए, ये विश आपकी पूरी हो जाए, उस विश की रिस्पेक्ट के लिए आरती ले लीजिए, शायद आपकी ये विश भी पूरी हो जाए। अगर विश की रिस्पेक्ट करने की बात आती है तो ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो नफरत है उसमें कितनी सच्चाई है। इस लॉ को मेरे पास लाकर तुमने मेरे अंदर की आग को भड़काया है। अब मैं तुम्हें हर पल इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और अगर इसके लिए मुझे आरती भी लेनी पड़ी ना तो मुझे मंजूर है। Swarami
अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी ये फिलॉसफी कितना काम करती है। घर कह रही हो, चलो लेट्स गो प्ले हैप्पी दिवाली, चलो चलो। अरे आप पटाखा फोड़ते? मैं पटाखे नहीं फोड़ती, मुझे डर लगता। अरे ये बॉम्ब थोड़ी ना जो डर रही हो, पटाखे इसमें से सिर्फ चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारियां निकलेगी या पैसे धुआं होंगे? पैसे जाया करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ये सारी चीजें मुझे बहुत एंटरटेनमेंट देती है, और खास करके ये रॉकेट। यू नो ये रॉकेट मेरा फेवरेट है। अगर रॉकेट थोड़ा बड़ा होता ना तो तुम्हें इसी रॉकेट पर बिठा कर तुम्हारे गाँव भेज देता। मेरे गाँव? हाँ जुपिटर, अब देर जहाँ से तुम आई हो। मुझे हंसी नहीं आई। Obviously हंसी है, क्यों आएगी? लेकिन जब तुम इस रॉकेट पर बैठोगी और जब मैं इस रॉकेट को आग लगूंगा और जब ये रॉकेट ऊपर जाएगी तो तुम्हें हंसी नहीं, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, बच्चों को इस काम में मजा आता है, लेकिन आप तो बड़े हो गए, आपको तो पैसों की अहमियत पता होनी चाहिए ना। ए, अगर नहीं चलाना मत चलाओ, लेक्चर मत दो मुझे। मुझे लेक्चर ही नहीं, प्रूफ भी करना आता है। एक दादी 500 रुपए का नोट दीजिए ना। थैंक यू दादी। रिश्वत दे रही हो? हा? जी नहीं, इसे लीजिए और इसे जला लीजिए। What? पटाखे भी इन्हीं पैसों से खरीदे ना, तो पटाखे जलाइए या पैसे एक ही बात है, दोनों में ये जलेंगे, धुआं होगा और आपको मजा आएगा। वाह भाई वाह, बहू ने क्या मिसाल दी है, अभी की तो बोलती ही बंद कर दी है उसने। ठीक है तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे जला देता हूँ, साउंड इफेक्ट तुम देना। साउंड इफेक्ट? साउंड इफेक्ट देखो मैं इसे यहाँ से चलाऊंगा, पटाखों की जो आवाज है ना तुम अपने मुंह से निकालना, टू 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 टू, चिंगारियां जो है ना वो तुम अपनी आंखों से निकालना, और धुआं कान से, और जब मैं इसे नीचे से जलाऊंगा ना तो तुम ऊपर जाके फट जाना। मुझे अभी हंसी नहीं आ रही। ऑब्वियसली हंसी कैसे आएगी, हंसी तो मुझे आ रही है, और तुम्हें हंसी क्यों आएगी? द जोक इज ऑन यू, अंडरस्टूड? आज ये बहन जी कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो दीदी पुलिस की सायरन की आवाज है, और अपने ही घर के बाहर से आ रही है। आइए। अरे सर हैप्पी दिवाली, कैसे आना हुआ, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए पटाखे फोड़ते आइए। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, हम दीपावली के दिन भी काम कर रहे हैं। वैसे काफी कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में इंस्पेक्टर यादव से। ओ, अब समझ में आया, अगर फर्क पता है तो ये भी पता होना चाहिए था कि आज दिवाली है, दिवाली के दिन हम सब त्योहार मना रहे हैं। जो काम था वो कल भी हो सकता था। मैं ड्यूटी पर हूँ और जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके ही जाऊंगा। कैसी ड्यूटी? आनंद ये सर्च वारंट है, पूरे घर की तलाशी लेनी। किस चीज की तलाशी? वेट करो सब पता चल जाएगा। चलो इंस्पेक्टर साहब,
इस घर की तलाशी लेने के लिए आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए। पुलिस को काम करने के लिए किसी मोटिव की नहीं, ऑर्डर की जरूरत होती है, और हमारे पास ऑर्डर मौजूद है। बेहतर होगा कि आप हमें कॉपरेट करें। अपने इस जोश की वजह से पहले भी आप हवालात की हवा खा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दीपावली अपने घर की रोशनी के बजाय हवालात के अंधेरे में गुजारनी पड़े।